और अचानक सुने तो ओकर का हालात हुई जैसे राजा दशरथ के हाल हो गए। दशरथ पुत्र जब सुनी का मानव ब्रह्मा नंद समान राजा दशरथ पुत्र के जब सुनी सुनते ही धरती में गिर गए और गिरे के बाद वो परमानंद में समाहित हो गए। अरे मोर भक्त पुत्र जब के जाति क्योंकि राजा दशरथ के चौथा पंडित पुत्र के प्राप्ति हो राजा दशरथ का चौथा पंडित पुत्र प्राप्ति हो लेकिन ओकर पहले पुत्री प्राप्ति हो गई और ओकर पुत्री के नाम क्या रही शांता देवी। शांता देवी जानता वो जानता ये ढाल का मंजिला थे हम कोई जोड़ा काम मतलब शांता देवी क्या कर रही है शांता बिल्कुल सही जवाब दे लेकर मतलब सेजी ऋषि तक पहुंच गए थे। राजा दशरथ के एक पुत्री जेकर नाम शांता देवी और वो काकर पत्नी बनी छत्तीसगढ़ के सिहावा क्षेत्र में रहने वाला सिंही ऋषि के पत्नी बनी और करे समय जैन समय के लिए राजा दशरथ गुरु महिपाला चरण लाग कर अभिनय गुरु के चरण में जाकर के निवेदन करते थे गुरु वशिष्ठ का राजा धैर्य तो चार चार मात्र होने वाला है तो कैसे हो पुत्र काम सुख जग करके और गुरु वशिष्ठ सिंह ऋषि हिंदा छत्तीसगढ़ प्रांत में सिंह ऋषि नाम के एक संत है वो संत का बनवा और ओकरे माध्यम से यज्ञ करवा उद्देश्य यज्ञ ओकर माध्यम से जैन प्रसाद मुनि ओकरे माध्यम से चार चार पुत्र के प्राप्ति हो वही सिंह शिला देख सोलहा राजा दशरथ के पुत्री शांता मन मन पत्नी मान ली और कहा आपके बस में शांता देवी भी यही छत्तीसगढ़ प्रदेश में अयोध्या और छत्तीसगढ़ के विशेष नाता जुड़े हुए राम के पहली छत्तीसगढ़ में ससुराल आया और राम के माता छत्तीसगढ़ से ससुराल गए हैं लेकिन शादी नहीं होता शांता देवी और संजीव ऋषि केवल एक दूसरे का देख करके पति पत्नी स्वीकार करे है और जीवन भर ब्रह्मचर्य के पालन करे है। देखकर सची एक छोर में संजीव ऋषि की मूर्ति है मंदिर में और एक छोर गुफा में शांता देवी के मंदिर है गुफा में और बीचों बीच झील है। तो आज ये राजा दशरथ चौथा फल में पुत्र रत्न के प्राप्ति होते और जब सुनते ना पुत्र जन्म ले रहे तो धरती में गिर जाते और गिरे के बाद परमानंद में समाहित हो जाते। वर्तमान पीठ युग भीष्म राम भद्राचार्य जी महाराज आनंद के बारे में बताते तीन आनंद है पहला लोकानंद दूसरा ब्रह्मानंद और तीसरा परमानंद। लोकानंद कालक जय जय संपर्क सुखम आनंद लोकानंद जब जब जड़ के संपर्क में आ जाए जड़ जालक इंद्री लग जाए इंद्री इंद्री के संपर्क में आते वो समय जेठ आनंद की अनुभूति होते
वो आनंद ला लोकानंद के ओकर बाद ब्रह्मानंद जगचेतन संपर्क सुखम आनंद ब्रह्मानंदा जब जब चेतन के संपर्क में आ जाए जब इंद्री आत्मा के संपर्क में आ जाए और वो समय जब आनंद के अनुभूति होते वो आनंद ब्रह्मानंद और तीसरा आनंद परमानंद चेतन चेतन संपर्क सुखम आनंद परमानंद जब आत्मा परमात्मा की संपर्क में आ जाए तो वो समय देव आनंद के अनुभूति होते वो आनंद का परमानंद के और राजा दशरथ के आत्मा ही परमात्मा के संपर्क में आ गए देवकर सचिव स्वामी महाराज जी दशरथ पुत्र जब सुनिकाना मानव ब्रह्मा नंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत कुठन करत मति धीरा राजा दशरथ की जब होश आते परमानंद से उठते तो वो उठना चाहते और जब उठना चाहते तो वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज से परम प्रेम मन पुलक शरीरा पुत्र के लिए इतना प्रेम उमड़ गए इतना प्रेम उमड़ गए और ये प्रेम कहां से आए ओकर प्रारब्ध से पूर्व जन्म में मांगे है सुत विषयक का उपद्रति हो जे इति में गुण कहे तो मन बिना फन जी में जल रिन बिना मम जीवन दिन तुम्हारी अधीना ब्रह्म वाक्य है और हमेशा सत्य होते तथा सुखे पारमन परमात्मा आज होकर कृपा से पुत्र जैसे जन्म लिया पुत्र के ऊपर कितना प्रेम हो गया कितना प्रेम हो गया राजा दशरथ वही बात स्वामी महाराज परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठत करत मति धीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे दिह आवहि प्रभ सोई परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलाई बजावा बाजा राजा दशरथ मन ही मन सोचते और बोलते का जाकर नाम सुनत शुभ होई जेकर नाम ला सुनते ही शुभ हो जाते जेकर नाम ला लेते ही शुभ होते मोरे की आवा प्रभु सो वो स्वयं पारमन परमात्मा मोर घर में आ गए राजा दशरथ अब उतना पहले ब्रह्मानंद में अब परमानंद में आ गए तब स्वामी जी महाराज का परमानंद पूरी मन राजा कहा बोलाई बजावा अपन सेना में लगलत है प्रहरी में लगलत है मंत्री लगलत है और का कहते जाओ अयोध्या नगर में धूमधाम से पांच राज बजाया जाए मंगल गीत गाया जाए राजा दशरथ के घर में लल्ला का पदार्पण हुआ है ऐसे जब राजा दशरथ के आदेश होते ना तो पूरा अयोध्या नगर है तो परमानंद में समाहित हो जाते और संकेत ले चुके हैं एक भजन के पश्चात आरती आरती के पश्चात सोहर मंगल